हेलो क्लास, वेलकम टू आवर एलएफसीएस ऑनलाइन क्लास। मायसेल्फ संध्या तिवारी, योर एसएसटी टीचर। इन द फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टॉपिक दैट एफर्ट्स मेड बाय द गवर्नमेंट एंड इन द इम्प्रूवमेंट फॉर द कंडीशन ऑफ वुमेन, और यू कैन से दैट इन फॉर जेंडर इक्वालिटी। And after that topic, next topic is contribution of Bengal to the upliftment of women. Okay, so here in order to defend their society and also culture, the reformers, especially in Bengal, they have tried a lot to improve their society as well as also their religion. And also they arrange them in order. For these many important reformers, they have worked very hard, and among these the most important were Raja Ram Mohan Roy, Dwarka Nath Tagore, and Chandrasekhar Dev, and etc. Okay, so let's start. See, there is no denying the fact that the reform work both in the religious and social field began first of all in Bengal. There is no doubt. हम यहाँ पर कोई इनकार नहीं कर सकते कि सबसे पहले बंगाल में शुरुआत हुई, जो कि सोशल फील्ड से लेकर के रिलीजियस फील्ड या सोसाइटी को अरेंज करने में एक प्रॉपर वे में लाने के लिए, और इन्होंने सबसे पहले वर्क किया। बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट प्रोविंस टू कम अंडर द डोमिनेंस ऑफ द ब्रिटिश। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यह पहला ऐसा प्रांत था, प्रोविंस था, जो कि ब्रिटिश के अंडर में पहले पहल आया। इट वॉज हियर दैट द क्रिश्चियन मिशनरीज लॉन्च देयर ट्रेड अगेंस्ट द इंडियन सोशल सिस्टम। चूँकि यहाँ पर जो क्रिश्चियन मिशनरीज थी, ये अपना जो जो भी था इंडियन सोशल सिस्टम के विरुद्ध में एक जैसे कहते हैं ना कि निंदा करना उन्होंने शुरू किया। इन ऑर्डर टू डिफेंड देयर सोसाइटी एंड कल्चर, द रिफॉर्मर्स इन बंगाल ट्राई टू सेट देयर सोसाइटी एंड रिलीजन इन ऑर्डर। और इसी को डिफेंड करने के लिए, इस ऑर्डर को डिफेंड करने के लिए, और जो कि यहाँ के जो और बचाते हुए अपने सोसाइटी को प्लस अपने जो कल्चर को बचाते हुए उन्होंने अपने सोसाइटी को और प्लस रिलीजन को, अपने कल्चर को ऑर्डर में लाना शुरू किया। इम्पॉर्टेंट अमंग दीज रिफॉर्मर्स वेयर राजा राम मोहन रॉय, द्वारका नाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, तारा चंद्र चक्रवर्ती, विवेन डेरोजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, देवेंद्र नाथ टैगोर, इटीसी। दे वर्क वेरी हार्ड फॉर देश। इन्होंने इनका योगदान बहुत बड़ा रहा इस फील्ड में। ऑल ऑफ देम कैरीड देयर वर्क ऑफ सोशल रिफॉर्म इन बंगाल। इन्होंने अपने सोशल रिफॉर्म का वर्क तो इन्होंने बंगाल से ही शुरू किया। एज द रीजनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी एंड रिलीजियन वॉज नॉट पॉसिबल बिफोर रिफॉर्मिंग द लॉट ऑफ इंडियन वुमेन। ये भी कहा जा रहा है कि इंडियन सोसाइटी को रीजनरेशन ऑफ द इंडियन सोसाइटी, हम इंडियन सोसाइटी को फिर से नया बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? वुमन को जागरूक करना पड़ेगा। सो ऑल द रिफॉर्मर्स विदाउट एंड एनी एक्सेप्शन ट्राइड देयर अटमोस्ट टू इम्प्रूव द डिप्रोबेबल कंडीशन ऑफ अ वुमन। इसीलिए सारे रिफॉर्मर्स ने एकजुट होकर के ट्राई किया कि किसी भी हद तक, किसी भी तरह से हमें वुमन की कंडीशन को सुधारना है।
वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द मेमोरेबल वर्क ऑफ राजा राम मोहन रॉय एंड ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन बंगाल फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ अ वुमेन। हम लोगों ने पहले ही इनके बारे में पढ़ चुका है, जो कि हम लोग इसके इनके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि किस तरह से इन्होंने बंगाल के वुमेन को अपलिफ्ट करने में कितना इम्पोर्टेंट रोल इनका रहा। अदर रिफॉर्मर्स ऑफ बंगाल ऑल्सो डिड देयर बेस्ट इन इम्प्रूविंग द पोजिशन ऑफ वुमेन। यही नहीं, इन्हीं लोगों ने वर्क नहीं किया बल्कि अदर बाकी लोगों ने भी अपना बहुत बड़ा योगदान या यूँ कह सकते हैं कि सहयोग दिया। आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय इन 1833 द ब्राह्मण समाज कंटिन्यूड द वर्क ऑफ इमेनिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन अंडर द गाइडेंस ऑफ एबल मैन लाइक रविंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्ता एंड केशव चंद्र सेन। और आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राम मोहन रॉय द ब्रह्म समाज ऑल्सो कंटिन्यूड द पेंडिंग वर्क ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑफ वुमेन अंडर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट लीडर्स गाइडेंस सच एज और यू कैन से रिफॉर्मर्स सच एज रविंद्रनाथ टैगोर, अक्षय कुमार दत्ता एंड केशव चंद्र सेन। दे इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द ब्रह्म समाज, उन्होंने एक ब्रह्म समाज में एक नई रोशनी लाई एंड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मूविंग द पीपल इन सपोर्ट ऑफ विडो रीमैरिज। और उन्होंने एक नई रोशनी के लाने के साथ साथ उन्होंने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले किया हमारे समाज में, जिसके ऊपर विडो रीमैरिज के ऊपर। द एबोलिशन ऑफ पॉलीगमी, वुमेन्स एडुकेशन एंड एबोलिशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ सती, इन सब चीज़ों पर उन्होंने काम किया। अनदर इंस्टीट्यूशन द बैथुन स्कूल विच वॉज फाउंडेड इन कोलकाता इन 1849 बाय ईश्वर चंद्र विद्यासागर डिड ग्रेट वर्क इन द फील्ड ऑफ वुमेन्स एडुकेशन। और भी कई इंस्टीट्यूशन ओपन हुए जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा ही 1849 में जो कि किसके ऊपर वर्क था, वुमेन्स के एडुकेशन के लिए। इट वाज नॉट एन इजी जॉब इन दोज डेज टू स्टार्ट गर्ल्स स्कूल बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग अपोजिशन ऑफ द ऑर्थोडॉक्स पीपल। जो धार्मिक उन दिनों में गर्ल्स के लिए स्कूल खोलना बहुत आसान काम नहीं था, क्योंकि इसके पीछे जो धार्मिक जो के रिलीजियस के मानने वाले लोग थे उनको अनुमति नहीं देते थे, उनका ये मानना नहीं था, इनके ये उनके क्या था बिकॉज ऑफ द स्ट्रांग वो अपोज करते थे, जो ऑर्थोडॉक्स पीपल थे वो अपोज करते थे। इट वॉज अ ग्रेट प्रॉब्लम टू गेट गर्ल स्टूडेंट्स फॉर इवन द बैथुन स्कूल बिकॉज द पेरेंट्स ऑफ द गर्ल्स हैड टू फेस सोशल बॉयकॉट। उस समय में गर्ल्स स्कूल में गर्ल्स को लाना या पेरेंट्स को गर्ल्स को स्कूल भेजना ये सब बड़ा ही कठिन काम था। द यंग स्टूडेंट्स वेर शाउटेड एट एंड अब्यूज्ड। It was said that these educated girls would never prove good wives and they would make the worst of their family life. लोग चिल्लाने लगते थे, शोर शराबा करने लगते थे कि नहीं नहीं अगर इनको एडुकेशन मिल गया तो ये एक अच्छी वाइफ नहीं बनेगी और लाइफ बिल्कुल ही ख़राब हो जाएगी। Thus divorce would become more frequent. All such beliefs put hurdles in the way of social reform. ये सब सारी बाधाएं इन social reformers की राह में आ रही थीं। But Ishwar Chand Vidyasagar stood like a rock, and at last, by his steadfast efforts, the Bethune School became an important center of women's education.
और लास्ट में हम देखते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद वो पत्थर की तरह डटे रहे, ईश्वरचंद विद्यासागर अपनी राह पर डटे रहे और लास्ट में वो सक्सेस भी हुए। और ये भी है कि लास्ट में हमने देखा ना कि यह जो स्कूल है वुमेन एजुकेशन इम्पॉर्टेंट सेंटर बन गया। किसके किसका सेंटर? वुमेन्स एजुकेशन। अ टीचर ऑफ द हिंदू कॉलेज हेनरी विवियन डेरोजियो एंड हिज ब्राइट स्टूडेंट्स हु स्टार्टेड द यंग बंगाल मूवमेंट आफ्टर हिम प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ड्राइविंग अवे मेनी सुपरस्टिशंस फ्रॉम द सोसाइटी। और हमने ये भी देखा कि एक हिंदू टीचर ऑफ द हिंदू कॉलेज जो कि हेनरी विवियन डेरोजियो और उनके जो होनहार स्टूडेंट्स थे, उन्होंने एक स्टार्ट किया, मूवमेंट स्टार्ट किया उसका, यंग बंगाल मूवमेंट। दे प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल एंड इन डिराइविंग आउट द यू कैन से द सिस्टम और द सोशल इविल सच एज सुपरस्टिशियंस फ्रॉम द सोसाइटी। अंधविश्वास को सोसाइटी से हटाने में उनका बड़ा योगदान रहा। They preached the ideas of liberty, equality and fraternity, the three main pillars of the French Revolution. फिर उन्होंने आइडियाज दिया तीन इम्पॉर्टेंट पिलर्स का जो कि फ्रेंच रिवोल्यूशन के क्या है, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, एंड सपोर्टेड द कॉज एंड राइट्स ऑफ अ वुमेन। फिर उन्होंने राइट्स ऑफ वुमेन को भी सपोर्ट किया। दे एम्फेसाइज्ड फीमेल एडुकेशन एंड इक्वालिटी टू ऑल स्पेशली वुमेन इन द सोशल एडुकेशन। फिर उन्होंने उनका मेन एम फोकस किसके ऊपर था, फीमेल एडुकेशन एंड ऑल्सो इक्वली टू ऑल स्पेशली वुमेन इन द सोशल एडुकेशन। Then Krishna Ramakrishna Mission started by Ramakrishna Paramhansa and popularized by his disciple Swami Vivekananda. फिर Ramakrishna Mission started किसके द्वारा, Ramakrishna Paramhans के द्वारा। फिर बाद में इनके शिष्य स्वामी विवेकानंद द्वारा इसको popularize किया गया। Laid emphasis on humanism and did away with the feelings of high and low and the equality of a woman, and also laid a very important or laid emphasis on the low status of a woman and also equality of a woman. It laid emphasis on woman education. Inka aim, inka maqsad inke education ke upar bhi tha, and also इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन इन अ सोसाइटी। और उन्होंने इसके ऊपर भी जोर दिया, ध्यान दिया कि वुमेन को समाज में बराबर का स्टेटस, सम्मान मिलना चाहिए। ओके, सो टुडे ओनली दिस मच। ओके बेटा, थैंक यू।